आज मैं आम पन्ना बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैं आम ले ली हूँ, ये थोड़ी सी पुदीना की पत्ता ले ली हूँ। मैं ताज़ा बनाऊंगी, तुरंत तुरंत ही यूज करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। आप लोग अगर इसको फ्रिज में रखना चाहेंगे बना करके तो रख सकते हैं, ज़्यादा भी बना करके। अब मैं यहाँ गैस पे एक कढ़ाई ले ली हूँ, इसमें मैं थोड़ी सी जीरा डाल के इसको भून लेंगे अच्छे से। थोड़ी सी जीरा ले ली हूँ, इसको मैं अच्छे से गैस पे कम आंच करके मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पे देखिए जीरा अच्छे से मैं इसको भून ली हूँ, अब इसको मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ, इसमें मैं 1 कप पानी डाल दी हूँ। अब मैं ये आम जो ली हूँ, जब तक ये पानी गर्म होती है जब तक मैं इस आम को छील लूँगी। यहाँ पे देखिए मैं आम को अच्छे से छील ली हूँ, अब यहाँ पे पानी भी गर्म हो चुकी है कढ़ाई में, मैं इस आम को डाल दूँगी और इसको मैं जब तक उबालूँगी जब तक ये अच्छे से पक जाएगी, उतने देर में इसको अच्छे से उबाल लूँगी आम को। और ये पुदीना के पत्ते जो ली थी ये भी इसमें डाल के इसको भी इसी के साथ उबाल लूँगी। देखिए ये अच्छे से आम उबल चुकी है और ये बिल्कुल पक चुकी है अच्छे से। अब इसको मैं मिक्सी में ये गुठलियाँ हटा के और इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। यहाँ पे देखिए सारे आम में से मैं ये निकाल ली हूँ, पुदीना पत्ता नहीं डाली हूँ मैं इसमें, बस उबालने में ही डाली थी टेस्ट के लिए। और ये काला नमक मैं 1 चम्मच डाल दूँगी और ये जीरा जो भून ली थी ये जीरा मैं डाल दूँगी इसमें। अब इसमें चीनी मैं 4 चम्मच डाल दूँगी। अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे सारी चीज़ को। यहाँ पे देखिए मैं इसको अच्छे से पीस ली हूँ उसी में, अब इसको मैं एक बॉल में निकाल लूँगी सारा। ये सारा मैं निकाल ली हूँ, अब इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल दूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, ये आम पन्ना बन के तैयार हो गया है। ये देखिए मैं इतनी पतला रखी हूँ, आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा बनता है, गर्मी में आप लोग ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे देखिए आम पन्ना बन के तैयार है, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्ट, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।